हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। चलिए जानते हैं ओपन इंटरेस्ट के साथ किस तरीके से ट्रेडिंग किया जाता है। स्विंग ट्रेडिंग ओपन इंटरेस्ट के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है। तो हम लोग इसको सेंसिबल के ऊपर ट्राई करेंगे किस तरीके से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करें और ओपन इंटरेस्ट के मदद से हम लोग किस तरीके से ट्रेडिंग यहाँ पर कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, इंट्राडे सब कुछ यहाँ पर आप कर सकते हो। तो सेंसिबल जो है वो जीरोधा का जिनका अकाउंट है उनके लिए फ्री हो चुका है। तो आप लोग जीरोधा का अकाउंट ओपन कर लीजिए और नीचे फायर्स का भी लिंक दिया, नीचे अपस्टॉक का भी लिंक दिया है। आप अगर अपस्टॉक के लिंक से चैनल ओपन करते हो तो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मैं आप अपनी तरफ से आपको दूंगा, ठीक है। तो दोनों ही आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाकर ओपन कर लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है किसी भी स्टॉक को हम लोग ले लेते हैं। तो रिलायंस को हम लोग ले लेते हैं। रिलायंस बहुत अच्छा स्टॉक है ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से ट्रेड करना। तो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो मंथली ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर हमें दिख रहा होगा, ठीक है। मंथली ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से काम करता है कि महीने की जो पहली तारीख और आखिरी तारीख है उसके बीच में जो ट्रेडिंग होता है वो मंथली ओपन इंटरेस्ट वहाँ पर बिल्ड होता है और उस तरीके से वो ट्रेड होता है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से ट्रेड करना है ये आज हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने एक ओपन इंटरेस्ट का चार्ट खुल गया होगा, इस चार्ट को हम लोगों को देखना है। ये जो है हम जो बायर और सेलर है वो किस तरीके से देखना है। ऑप्शन चेन के अंदर भी हम लोग उल्टा देखते हैं, हम लोगों को देखना है सेलर के प्रस्पेक्टिव से। यहाँ पर जो है वो रेड कैंडल कॉल की दिखाई दे रही है, ठीक है। कॉल जनरली ग्रीन कैंडल से दिखता है पर यहाँ पर रेड कैंडल से दिखाया गया है और ये जो पुट दिखाया गया है वो ग्रीन कैंडल से, मतलब ये बाइंग की तरफ इशारा करता है और जो रेड कैंडल है वो सेलिंग की तरफ इशारा करता है। तो ये कॉल राइटर है, ये सेल पुट राइटर है, ठीक है। इस तरीके से हमें देखना है। तो हम बेसिकली क्या देखने वाले, जहां पर ये ग्रीन कैंडल बड़ी बनाई हुई है मार्केट के अंदर, ठीक है। रिलायंस ने जहां पर ये ग्रीन कैंडल, सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल आपको जहां दिखी वहां से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है उस स्ट्राइक प्राइस से। तो उसको प्लॉट करना भी मैं आपको सिखाऊंगा। और सबसे बड़ी रेड कैंडल कहाँ पर है, यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्राइक प्राइस को जान लेंगे। ये रेड कैंडल की स्ट्राइक प्राइस पर बनी है 2600 के स्ट्राइक प्राइस पर और ये पुट की कैंडल 2400 के स्ट्राइक प्राइस पर बनी है और ये उसके बीच में एक बड़ी सी पुट कैंडल दिख रही है हमें, ग्रीन वाली कैंडल। यहाँ पर रेड भी कैंडल है लेकिन हमें पुट की भी कैंडल यहाँ पर उसके साथ में दिख रही है। यहाँ पर पुट की कैंडल नहीं दिख रही, यहाँ पर दिख रही। तो 2500 का ये लेवल है, उसके नीचे देखो यहाँ पर कौन सी लेवल है, ये 2480, ठीक है। 2480 ये लेवल है। तो यहाँ पर हमें ये लेवल यहाँ पर प्लॉट करनी है। हम लोग क्या करेंगे, रिलायंस का स्टॉक लगा लेते हैं। रिलायंस का स्टॉक हम लोगों ने यहाँ पर लगा लिया है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को हमें लगाना है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर लग चुका, ठीक है। ये हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगा लिया है। अभी इंडिकेटर को मैं हाइड कर देता हूँ, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये रिलायंस इंडस्ट्री का यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इस महीने की स्टार्टिंग में हम लोग चलते हैं, अगस्त महीने की स्टार्टिंग यहाँ पर आप लोगों को दिख रही होगी क्लियरली। तो महीने की स्टार्टिंग में हम लोगों को कहाँ पर दिखा था ये, ठीक है। ये 2500 के लेवल पर ये एक कैंडल बनाया है 2460 के लेवल पर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2500 2460 यहाँ पर ये डिलीट कर देते हैं। हम लोग एरिया को मार्क करेंगे, 2500 के लेवल पर एरिया को मार्क कर लेना है हमें, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2500 की लेवल पर हम लोग मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। ये एक मार्किंग हो गई हमारी 2500 की लेवल पर, ये एक मार्किंग हम लोगों ने यहाँ पर कर ली, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम रखेंगे। सबसे बड़ी कैंडल 2400 के लेवल पर हमें यहाँ पर दिख रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2400 के लेवल पर एक मार्किंग और कर लेंगे, ठीक है। ये 2400 के लेवल पर एक मार्किंग हम लोगों ने और कर ली, ठीक है। नीचे जाते हुए हमें एक 2480 और 2460 ये दो रेंज मिल रहे हैं। तो 2480 और 60, ये रहा 60, 2460 का लेवल सपोर्ट का और 80 का लेवल भी यहाँ पर दिख रहा होगा हमें। तो 80 का लेवल ये हमें दिखा है यहाँ पर, ठीक है, 2480 का लेवल। तो ये सारे क्या हो गए, इसके लिए सपोर्ट हो गए, ठीक है। तो आप लोग क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कहाँ से ये नीचे की तरफ गिरा है, ठीक है। ऊपर से ये नीचे गिरा, ठीक है, यहाँ पर नहीं रुका, 2500 के लेवल को भी ब्रेक कर दिया इसने, नीचे गया, इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया 2480 की और नीचे जाकर 60 के लेवल पर इसने सपोर्ट लिया है। अब क्या करें हम, इसको ट्रेड कैसे करें, यहाँ पर भी सपोर्ट नहीं लिया, कैसे पता चलेगा हमको कि ये कहाँ पर सपोर्ट लेगा, यहाँ पर लेगा, यहाँ पर लेगा, यहाँ पर लेगा। एक ट्रेडिंग स्टाइल है, मैं आप लोगों को बताता हूँ।
13 EMA जो मेरा फेवरेट है, बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप लोगों को बहुत बेहतरीन प्रॉफिट यहाँ पर मिलने वाला है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर ये 2460 के लेवल पर यहाँ से घूम गया, ठीक है। एक हमारा ये ट्रेड छूट गया, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हमारा ट्रेड छूट गया यहाँ पर, और ये फिर से वापस उसी लेवल पर नेक्स्ट डे ये ऊपर गया और उसी लेवल से नीचे गिरा, एग्जैक्टली ये 2460 से ही घूम गया। और यहाँ पर आप लोगों को जैसे ही ये ऊपर जाए इस लेवल के मूविंग एवरेज के जैसे ही ऊपर जाए ये, आप लोग क्या करोगे, नीचे इस कैंडल का स्टॉप लॉस डालकर इसमें बाइंग करके बैठ जाओगे। स्विंग ट्रेडिंग के लिए रहेगा, इंट्राडे के लिए रहेगा, कुछ भी करो आप लोगों को प्रॉफिट 101% यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। ये कैंडल क्लोज किया, रिटेस्ट किया, हम लोगों ने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया, और यहाँ पर आप लोगों को देखो 1-2 दिन रुकते तो आपको कितना प्रॉफिट मिलता, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो। ऐसे ही ट्रेड आप यहाँ पर यहाँ से देख सकते हो। और कोई स्टॉक देख लेते, बजाज ऑटो, हम लोगों ने पिछली बार भी एनालिसिस किया था, बजाज ऑटो को देख लेते। देखो बजाज ऑटो में 46,000 का यहाँ पर दिख रहा है मुझे, 46,000 बजाज ऑटो, बजाज ऑटो यहाँ पर लगा लेते हैं, बजाज ऑटो। ये बजाज ऑटो का स्टॉक हम लोगों ने लगा लिया, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैं जल्दी से इसको आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। इसका लेवल अभी एनालिसिस का देखो, कहाँ पर सपोर्ट बताया, 4,600 का, ठीक है। ये अभी देखो 4,600 को अब ये ब्रेक करके नीचे जा रहा है, नेक्स्ट हमें देखना है कि कहाँ पर है। यहाँ पर देखो 4,560 और 550, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे कहाँ तक जा सकता है, 560 तक ये नीचे गिर सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सपोर्ट का लाइन यहाँ पर 560 पर एक सपोर्ट का लाइन लगा देंगे, और 550 पर भी एक सपोर्ट का लाइन यहाँ पर लगा देंगे। तो हमें फिर क्या करना है, मूविंग एवरेज के साथ इसको ट्रेड करना है। 5 मिनट के कैंडल पर हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट कर जाएंगे। अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे यहाँ पर मिला और मूविंग एवरेज भी इसके साथ नीचे आएगा इस तरीके से, और अगर ये मूविंग एवरेज को क्रॉस करता हुआ मिले तो हम लोग यहाँ पर इसको बाय करके नीचे का स्टॉप लॉस डाल देंगे, ये हमें ऊपर जाता हुआ दिख जाएगा। 101% ये स्ट्रैटेजी काम करती है ओपन इंटरेस्ट की। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको मिले। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।